हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, यहाँ से जो हमारा मैथ का जो हमारा कोर्स चल रहा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारा एसएससी सीजीएल और जो हमारा रेलवे को लेके मैथ का बैच स्टार्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है भाई। ये जो है आज हमारे पास क्लास नंबर 8 है और इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात व समानुपात, ठीक है। पिछली जो 7 क्लासेस थी वो आपको मिली थी पेनटेप से, उसके बाद डिजिटल बोर्ड था तो उसको लगाने में 3 से 4 दिन लग गया उसका सेटिंग बनाने में, इसलिए वीडियो आपको जो है नहीं मिल पाया था। लेकिन अब वीडियो आपको जो है रेगुलर मिलेगा। कल से जो वीडियो मिलेंगे वो आपको 2 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। आज आपको ये एक ही वीडियो मिलेगा। तो चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जिन्हें भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए हो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वहां से आपको जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी। मतलब कि सीरियल से सीक्वेंस में आप उनको जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 था आपके सामने, जिसे हम लोगों को यहाँ पे देखना है। पिछली क्लास में हम लोग 90 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और अब हमें 91 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे चलना है। तो चलिए भाई 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में वह अनुपात क्या होगा। यानी इन्होंने क्या बोला है आपसे, इन्होंने ये बोला है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात। तो देखो जरा हम इसे करेंगे कैसे, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये मान लो कि भाई हमारे पास क्या है, एक पृथ्वी का गोला है, ठीक है भाई। ये क्या है हमारे पास, पृथ्वी का गोला है। चलो इसे हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ये हमारे पास पृथ्वी का गोला इन्होंने दिया हुआ है। चलिए इन्होंने बोला क्या है हमसे, इन्होंने ये बोला है कि उसके क्या है, पृथ्वी का जो है पानी का अनुपात है ना, भूमि और पानी का अनुपात इन्होंने आपसे बोला है कि भूमि यानी कि लैंड और पानी यानी कि वाटर, इनका अनुपात कितना है आपका, इनका अनुपात है 1:2, ठीक है भाई। इसका अनुपात कितना है, 1:2 का है। उसके बाद क्या बोला है, तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात इतना है तो दक्षिणी गोलार्ध में वह अनुपात क्या होगा। यानी एक आपके पास, आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा होती है जो ठीक बीच से होकर जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, ये होती है हमारे पास भूमध्य रेखा। ये दो भागों में बांटती है पृथ्वी को, एक बांटती है ये उत्तरी गोलार्ध में, किसमें भाई, एक बांटती है ये उत्तरी गोलार्ध में, और दूसरा हिस्सा जो होता है ये हमारा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या होता है, ये होता है हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध। बात आप समझ गए, उत्तरी गोलार्ध हो गया और क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इतनी बात समझ गए। चलिए अब इन्होंने बोला क्या है भाई, कि इन्होंने बोला है हमसे कि जो हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात है वो 2:3 है, यानी उत्तरी गोलार्ध। देखो एक तरफ हम ले लेते हैं कि भाई जो हमारे पास उत्तरी गोलार्ध है, और एक तरफ हम ले लेंगे कि जो हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात जो है वो है 2:3, कितना है वो है हमारे पास 2:3, और हमें दक्षिणी गोलार्ध का बताना है कि हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा। तो अब देखो जरा, आप एक काम करोगे कि ये जो है भूमि और पानी का अनुपात 1:2, यानी जो टोटल वैल्यू 3 है, ये पूरी भूमि में दिया गया है और इसको दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप 3 को दो भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 1.5 और 1.5, है ना। तो आप रेशियो में हमेशा दशमलव से दूर रहते हैं, दशमलव नहीं बनाना होता है। तो आप क्या करो, इसको मान लो कि ये 10 है और इसको मान लो कि 20 है, कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया कि भूमि का रेशियो 10 है, पानी का रेशियो 20 है। अब मिला के टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 30। टोटल इससे कितने हो गए, भूमि और पानी मिला के 30 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात 30 हो गया है तो उत्तरी गोलार्ध में 15 जाएगा
और दक्षिणी गोलार्ध में भी 15 जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। भूमध्य रेखा ठीक 20 से जाती है, उत्तरी गोलार्ध में 15 और दक्षिणी गोलार्ध में 15। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये 15 हिस्से हैं, इसको हम बांटेंगे किसको, किसमें, दो रेशियो तीन में। क्यों? क्योंकि भाई इनका अनुपात हमें कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है। तो आप 15 को क्या करोगे, 2 और 3 यानी 5 में बांटोगे। तो 15 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 1 बराबर आपको मिलेगा 3, यानी 1 बराबर कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो अब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में दो हिस्से जो हैं वो क्या है, दो हिस्से जो है वो भूमि है और 3 हिस्सा पानी है। 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ये रेशियो आ गया हमारे पास उत्तरी गोलार्ध का, कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 6:9 है। हमें बताना था दक्षिणी गोलार्ध का। तो अब एक चीज बताओ जरा कि आपसे ये पूछा गया है कि भाई उत्तरी गोलार्ध ये हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हमारे पास ये हो गया, बताओ। और आप देखो जरा आपके पास भूमि और पानी का अनुपात कितना था, 10:20 है। 10 में से 6 हिस्सा जो भूमि का था, 6 हिस्सा यहाँ चला गया तो बचा कितना, 4, वो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में होगा। पानी का 20 हिस्से में से 9 हिस्से हमारे उत्तरी गोलार्ध में चले गए तो 11 हिस्से हमारे दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपका आ गया दक्षिणी गोलार्ध का क्या रेशियो, भूमि और पानी का 4:11, और यही आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई क्या, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस इनको मान लिया है कि ये 10 है और ये 20 है, और भूमध्य रेखा जो ठीक 20 से जाती है, मतलब इसे दो भागों में बांटना था, उत्तरी और दक्षिणी, है ना। तो ये भूमध्य रेखा ही बांटती उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे जब देखो भूमि और पानी पूरी पृथ्वी में 30 है, वो तो 30 है ना, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो 15 हिस्से इधर, 15 हिस्से इधर। अब इनका बोला था कि यहाँ पे 2:3 में है, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि 2:3 में है, तो हमने उसी में बांट दिया, यानी 5 था, 2 और 3 5 हुआ, हमने 5 से भाग दिया, 1:3 आया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2:6 3:9, बात समझ गए। अब 10 भूमि कितनी थी आपके पास, भूमि थी आपके पास 10, तो 10 में से 6 यहाँ चला गया तो 4 बचा दक्षिणी गोलार्ध में। अब आपके पास पानी था कितना, पानी था आपके पास 20, 20 में से 9 यहाँ चला गया तो बचा 11, आपका आंसर हो गया 4:11। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई क्या, ये हो गया। चलो अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 92 नंबर का, इसे सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है, यहां से हमारा टाइप नंबर 10 स्टार्ट होगा, टाइप जो होगा, टाइप नंबर हमारा यहां से 10 है। चलो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो भाई, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की आय का अनुपात 32 है, खर्च का अनुपात 4:3 है, यदि ए बराबर इतना, ए इतने रुपए बचाता है और बी इतने रुपए बचाता है, तो उनकी आय ज्ञात करो। देखो यहाँ पे हम वो मेथड लगाएंगे जो हमने क्रॉस मेथड सीखा था, है ना, और आपसे बोला भी गया था कि हम लोग कई बार क्रॉस मेथड को कई जगह पे यूज करेंगे, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझो कि देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आय बराबर, आय बराबर आपका क्या होगा, आय बराबर होगा बचत प्लस का खर्च, बात समझे कि नहीं। यानी जो आपकी इनकम होगी, इनकम बराबर क्या होगा आपका, सेविंग्स होगी प्लस का एक्सपेंडिचर, यानी जो आपका खर्च है। बोलो ये बात आप समझ गए, तो इस बात को लिख लेना, एक बेसिक सी बात है कि भाई जो आपकी आय है उसी से आप बचत भी करोगे, उसी में से आप खर्च करोगे। अगर आप बचत और खर्च को जोड़ दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी, आपकी आय आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे हमें दिया क्या गया, हम इसको करेंगे क्रॉस मेथड से जो हमने सीखा है। इनकी आय का अनुपात कितना है, 3:2 है, यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे कितना है, 3:2 है, ठीक है। इनकी आय का अनुपात कितना है ए और बी का, ये ए है और ये हमारे पास बी है। इनकी आय का अनुपात यानी इनके इनकम का अनुपात कितना है, 3:2, बात आप समझ गए। और इनके खर्च का अनुपात यानी इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात है 4:3, बोलो बात समझ गए। और उसके बाद इनकी सेविंग्स क्या है, ए की सेविंग्स है जो हमारे पास वो कितनी है, 2000, बी की सेविंग्स कितनी है, बी की सेविंग्स है 900। तो इनकी आय हमें बताना है, क्या बताना है, इनकी हमें आय बताना है।
चलिए कोई बात नहीं, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, इसका क्रॉस हम इसके साथ कराएंगे, इसका क्रॉस यहाँ पे कराएंगे। तो 3 3 का 9 और 4 2 8, 9 और 8 के बीच में अंतर कितना है, 1 का है, तो हम अंतर हमेशा लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 4 36 होगा, 3600, यहाँ पे 3 2 6 यानी ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6000। बोलो 3600 और 6000 के बीच कितने का अंतर है, इनके बीच आप 3600 में 4 जोड़ दोगे तो 4000, 2000 और, यानी ये कितना 2400 का अंतर है। ठीक है, तो हमने इनका भी क्रॉस करा के क्या कर लिया, इनका अंतर ले लिया, जो कि हमारे पास कितना है 2400 है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, तो हमें क्या मिल गया, 1 = 2400। अब हमें बताना क्या था, तो उनकी आय ज्ञात करो। अब देखो 1 = 2400, आय का अनुपात ये था, इनकम का अनुपात ये था, ए की इनकम है 3, तो इसमें आप क्या करोगे, 1 = 2400 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, और बी की इनकम है 2, तो 1 = 2400 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, है ना। तो 24 3 72 और 24 2 48 यानी 7200 और 4800 आपका आंसर हो जाएगा कि भाई उन दोनों की आय क्या है, 7200 और 4800। बात आप समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बोलो भाई, ये बात समझ में आई, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको क्रॉस मेथड से कर दिया। अगर आप इसको एक्स मेथड से भी करते तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो क्या करोगे आप, इनकी आय क्या है, ए की आय है 3x और बी की आय हम मान लेते 2x, ठीक है, और उनकी बचत क्या है, ए की बचत थी 2000, बी की बचत थी 900, ठीक है। अगर हम आय में से बचत घटा देते तो उसका क्या आ जाता, खर्च आ जाता, जो कि 4 अनुपात 3 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बात आप समझ रहे हो, ये हो गया एक्स मेथड, इससे सॉल्व करोगे लंबा टाइम लगेगा। इसमें से बस आपको ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, जो कि पहले की क्लास में बताया जा चुका है, जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी वो देख लें, ठीक है। ये फॉर्मेट पता होगा, आप तुरंत कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं 93 नंबर पे। 93 नंबर को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन सभी को ध्यान से पढ़ना है। एबीसी के खर्च का अनुपात इतना है और उनकी कुल आय इतनी है, अगर वे 20% 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात करो। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे कि इनकी आय का अनुपात कितना है। भाई इनकी आय का अनुपात है 16 12 और 9। आय का अनुपात कितना है भाई, आय का अनुपात है 16 12 और 9, और कुल आय जो उनकी है वो कितनी है, 15300। कुल आय जो है वो है 15300 रुपए। बोलो ये उनकी कुल आय हो गई 15300 रुपए। उसके बाद क्या है, अगर वे 20% 25% और 40% की बचत करते हैं, है ना, और उनकी खर्च का अनुपात दिया, तो अब देखो जरा, ये एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है, इनको करते कैसे हैं। देखो इनके खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है, क्या दिया, इनके खर्च का अनुपात दिया है, तो हम इनका खर्च का अनुपात क्या है भाई, खर्च का अनुपात है 16 12 और 9। बात आप समझ गए, हमें खर्च का अनुपात दिया है तो हम इसको खर्च से ही डिवाइड कर सकते हैं, ये आप याद रखना। और इन्होंने क्या बोला है, उनकी कुल आय इतनी है अगर वे 20% 25% और 40% बचत करते हैं। देखो एक बात समझो कि जैसे आपके पास 100% है, आपके पास जो आपकी आय है वो 100% है, उसमें से आप 20% अगर बचत कर लेते हो, अगर आपने 20% बचा लिया तो आपने खर्चा कितना किया, आपने खर्चा 80% किया, कितना किया 80% किया। और ये खर्च का भाई देखो, ये जो 20% है ये हमारे पास क्या है, बचत का है, किसका है, बचत का, लेकिन हमारे पास रेशियो दिया है खर्च का, तो हम खर्च से ही डिवाइड कर सकते हैं ना। तो भाई अगर वो 20% बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, 80%, यानी ये 16 जो है ये किसकी वैल्यू है, 80 की वैल्यू है, और 100% अगर हम इसका निकाल देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास आय निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, अगर हम 100% का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आय निकल के आ जाएगी, बात समझ गए। उसी तरीके आगे क्या है, बी में 25% की बचत करता है, यानी अगर वो 100 में 25% बचत करेगा तो 75% क्या करेगा, वो खर्च करेगा, यानी इसका 75%, ठीक है, 100 से करा दोगे तो आपके पास आय आ जाएगी। अगला क्या बोला है, 40% बचत करता है, सी जो है 40% बचत करता है तो 60% वो खर्च कर देता है।
आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, इसका आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आई निकल के आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ 25 से डिवाइड कर लो, 25 या 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 16, ठीक है। इसको करोगे, ये 16 से 5 बार कैंसिल, 5 से ये जो है 20 बार कैंसिल, यानी ये हमारे पास आ गया 20, इसकी आय कितनी आ गई, 20 आ गई। इसको देखोगे आप चाहो तो 0 से 0 हटा दो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 त्रिक 9, 3 से ये 2 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, यानी 5 तीन 15, इसकी आय आ गई 15। बताओ आपके पास आय निकल के आ गई। तो बी की आय ज्ञात करना है हमें, क्या बताना है, बी की आय बताना है, और ये हमें आय मिल गई यहाँ पे, है ना। अब ये हमें आय मिल गई, आय का रेशियो मिल गया, तो और ये कुल आय हमारे पास इतनी है, तो भाई जब वो आय का हमें दिया हुआ है कि भाई 15,300 है, तो हम उसको आय से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हमने आय का रेशियो निकाला। आय का रेशियो हमने निकाल लिया 20, 10, 30, 10, 40, है ना, और 10, 50, 51, कितना हो गया ये 51 हो गया। 51 से आप इसको डिवाइड करोगे तो जस्ट ये इससे 3 बार कैंसिल होगा, यानी 1 बराबर आ जाएगा आपके पास 300। 1 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपके पास आ जाएगा 300। बोलो बात समझ गए क्या, ठीक है, 1 बराबर 300 आया, हमें बतानी है बी की आय, ठीक है, हमें कितना बताना है बी की आय, बी की आय कितनी है 16, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 48, ठीक है, तो कितना आ गया 4800, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 4800 आ गया। बोलो सिंपल है, आसान है, हमें कुछ नहीं करना था, बस इतना याद रखना है रेशियो में हमेशा कि जिस चीज का रेशियो दिया है हम उसी से डिवाइड करेंगे, बात खत्म। हमें बचत का रेशियो दिया था तो हमें बचत चाहिए थी, हमने बचत निकाली कैसे, उन्होंने बोला खर्च दिया था सॉरी, तो हमने खर्च का रेशियो निकाला, क्या बोला हमारे पास 100 रुपए है, 100 में से 20 वो बचा लेता है तो खर्च कितना करेगा, 80 करेगा, तो हमने सिंपल सा किया, देखो 80% वो खर्च कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, 80% उसने खर्च किया जो कि 16 के बराबर था, है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको ये कर दिया कि भाई 16 अपॉन में आ जाएगा 80, ठीक है, उसके बाद हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का तो हमें आय मिल जाएगी, बस हमने ये किया और कुछ नहीं किया, हर एक लाइन पे बस हमने इतना ही किया है और ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, ठीक है भाई, बात आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे, 94 नंबर को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एबीसी की कुल आय कितनी है भाई, 4,400 रुपए है, उनके खर्च क्रमशः इतने, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है, उनके खर्च का रेशियो दिया है, ठीक है भाई, सॉरी रेशियो हमें किसका दिया है, ये तो हमें खर्च दिया है परसेंटेज में, बचत का रेशियो दिया है 5, 6 और 9, अब की बार हमें किसका रेशियो दिया है, बचत का, कितना दिया है 5, 6 और 9 है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा खर्च कितना करता है वो 80%, आप खुद सोचो, आपको 100 रुपए दिए गए हैं उसमें से आप 80 खर्चा कर दोगे तो बचाओगे कितने 20, यानी 20% आप बचाओगे, बचाओगे ना, तो ये 5 किसकी वैल्यू है, 20 की वैल्यू है, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें आय मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, आय मिल जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे कुल आय दिया है तो हमें कुल आय तो चाहिए ही ना भाग देने के लिए, तो हमने आय निकाल लेंगे, इसका देखते हैं भाई कितना 75, इसका हमारे पास कितना है 85%, अगर वो 85% खर्च करता है तो 15% बचाता है, तो भाई ये 15 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमें आय मिल जाएगी, इसमें कितना है 75%, तो ये बचाएगा कितना, ये बचत करेगा 25% की, तो 100% कितना आय मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो 20 से कैंसिल करोगे 5 बार, 20, 25, 100, ये आ गया आपके पास 25, ठीक है, उसके बाद आप इसको कैंसिल कर दो 3 से, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 से कैंसिल कर दो 20 बार, तो कितना आ गया 40, ठीक है, ये 25 से 4 बार, 25 चौके 100, तो 9 चौके 36, ये आपके पास आय आ गई, क्या आ गई आपके पास, आय आ गई, बात आप समझ गए। चलिए
और कुल आय आपको कितना दिया है, कुल आय दिया है 4,400, और ये आयकर रेशियो आ गया है, तो कितना हो गया भाई 40 और 20 60, 60 और ये 30 90, 90 और 11 है ना 101, कितना हो गया ये 101 हो गया। तो 101 से कितनी बार कैंसिल होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये 4 बार कैंसिल होगा, यानी एक बराबर आपको मिल गया 400, एक बराबर आपको क्या मिल गया, एक बराबर आपको मिल गया 400, ठीक है। चलो और बचत का अनुपात इतना, एक ही आय ज्ञात करनी है, एक बराबर 400 मिला है हमें, एक ही आय ज्ञात करनी है इसका, तो हम इसमें हम 400 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 25 चौके 100 और 2 जीरो और, यानी उसकी आय कितनी हो गई, उसकी आय हो गई 10,000 रुपए, ए नंबर, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में यहाँ पे सही करना, यहाँ पे हम लोगों ने 300 का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, 3 का नहीं। चलो यहाँ पे हमने 400 का मल्टीप्लाई कराया, 25 चौके 100, एक बराबर 100 तो नहीं, एक बराबर 400 तो 25 चौके 100 यानी 10,000 उसकी क्या आ गई, आय निकल के आ गई एक ही, ठीक है। चलो ये तो सिंपल है, आप कर ले जाओगे, प्रैक्टिस आपको करना है, आपके ऊपर है, ठीक है। चलो अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर जो है 11 है हमारे पास, कौन सा है भाई, टाइप नंबर 11, इसे ध्यान से पढ़ना है, टाइप नंबर 11 को भाई ध्यान से पढ़ना, सभी लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात इतना था, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल जो भी है के वेतन का अनुपात हमारे पास 3:4 था, ठीक है। उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात क्रमशः ये है, दोनों के वर्तमान के वेतन का योग इतना है, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताओ। देखो हमें बताना है वर्तमान वेतन, और हमें दिया क्या है, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन को समझो, हमें बात करनी है प्रेजेंट की, हमसे पूछा है वर्तमान में, तो हम बात करेंगे वर्तमान, लेकिन यहां क्वेश्चन में घुमाया क्या है उसको जरा समझो। इन्होंने घुमाया ये है कि भाई हमारे पास दो लोग बोले, इन्होंने एक लक्ष्मण बोला है एक गोपाल बोला है, ठीक है, और इनकी दो आय दी गई हैं, एक दी गई है पिछले वर्ष की और एक दी गई है वर्तमान की, यहाँ पे भी एक पिछले वर्ष की और एक वर्तमान की। पिछले वर्ष की कित क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला, पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की क्रमशः, तो एक है इसकी लक्ष्मण की 4:5, और अगर इसकी बात करें तो 2:3, ये दिया गया है, ठीक है। आपके मन में आएगा कि भाई ये रेशियो कहाँ से है, तो ये इसलिए बोला है कि एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात तो इतना था 3:4, उनके पिछले वर्ष वह वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात क्रमशः कितना है, ये पिछले वर्ष का है 4, वर्तमान में है 5, ये किसका हो गया, लक्ष्मण का हो गया, गोपाल का पिछले वर्ष का 2, वर्तमान का 3, ठीक है। तो हमसे पूछा है वर्तमान में क्या होगा, तो देखो ये आपको जस्ट समझाने के लिए था, हम चलते हैं वर्तमान में, एक तरफ होंगे लक्ष्मण एक तरफ होंगे गोपाल, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो दिया है पिछले वर्ष का दिया है, और यहाँ पे भी पिछले वर्ष बोला है कि नहीं पिछले वर्ष, तो ये जो है ये 4 ये पिछले वर्ष का है, यहाँ पे 4, जबकि पिछले वर्ष 3 था, 4 की वैल्यू 3 थी। देखो ध्यान से समझो, लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, ये रेशियो लक्ष्मण का है, ये रेशियो किसका है, गोपाल का है, तो अभी क्या बोला है इन्होंने, 4 बोला है, जबकि पिछले वर्ष में क्या थी, 3 थी। ध्यान से समझना लिखने का तरीका, अभी 4 है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं लक्ष्मण का अलग से जो बोल रहे हैं वो क्या थी, 4, जबकि पहले उन्होंने बोला कि 3 थी, तो वर्तमान में कितना है, 5, तो 5 की वैल्यू क्या, बात आप समझ गए, तो क्या होगा यहाँ पे, तो वर्तमान में 5 की वैल्यू क्या। अब गोपाल में चलते हैं, गोपाल का अभी 2 है जबकि पहले 4 था, है ना, अभी 2 है जबकि पहले 4 था, ये तो बात हो गई किसकी। अगर हम देखो करंट का रेशियो ये है, तो जब करंट से भाग देंगे तो हमें करंट का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई वर्तमान हमें बताना है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा, बात समझ रहे हो ना, हम 2 को नीचे क्यों रखा है, हमने 4 को नीचे क्यों रखा है, क्योंकि ये अभी वाले रेशियो इन्होंने बोला, जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला लक्ष्मण और गोपाल के अलग से, 4 की वैल्यू 3 थी, तो इस 5 की वैल्यू क्या,
दो की वैल्यू चार, तो इस तीन की वैल्यू क्या, बस हमें ये करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे मेरे भाई, चलो इसको सॉल्व आगे हम कैसे करेंगे। ये तो हो जाएगा हमारे पास 15/4, इसको अगर करोगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 6। बताओ जरा, ये हो गया आपके पास 15/4 और ये हो गया आपके पास 6, तब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ जरा, कैसे सॉल्व करोगे भाई। आप इसका क्रॉस इधर करा दोगे, 15 और 6 चौके 24, 15 रेशियो 24, ये आ गया आपके पास। ये क्या आ गया आपके पास बताओ, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास वर्तमान के वेतन का अनुपात, क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया। ये सभी प्रेजेंट के थे, हमने प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेजेंट में हो गया, है ना। तो 20, 10, 30 और 9, 39, और हमारे पास कुल वेतन इन्होंने कितना बोला है 429,000, और यहाँ पे कितना हो रहा है भाई 20, 10, 30 और 9, 39 हो रहा है। बताओ ये कितनी बार कैंसिल होगा बताओ भाई, 9 × 1 = 9, ठीक है, 36 × 18 और 14, ठीक है, हम इसको ऐसे ही कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 1 = 4, 3 × 4 = 3, है ना। अच्छा ठीक है, 14 × 42, 3 से कैंसिल हो रहा था, 14 × 3 = 00, ठीक है। बोलो 1 बराबर कितना आएगा हमारे पास, 39 से कैंसिल करोगे, ठीक है, 1 सेकेंड, 39 से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपके पास 143। 39 का 3 गुना है ये क्या, ठीक है, ध्यान से देखो जरा भाई, आपको इसको 39 से करना है, 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, 14 × 42 और 3 × 3 = 9, ठीक है। बोलो भाई 143 आएगा क्या यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है, 429,000, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 15 है रेशियो और क्या है हमारे पास 24 है ना। एक काम क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं, यहाँ रेशियो ये और छोटा हो सकता है 3 से डिवाइड होकर, तो 5 3 है ना, 3 से डिवाइड होगा तो ये जाएगा 5 बार, और ये 3 से डिवाइड होगा तो 8 बार, यानी ये नया रेशियो बन गया। हम जितना छोटा कर सकते हैं उतना हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 429,000 और 8 × 5 = 13, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 13 से कैंसिल करोगे, 13 × 39, 39 और 3 बचा, फिर 13 × 39, ठीक है, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1 बराबर आ गया हमारे पास 3300, 1 बराबर आ गया हमारे पास कितना, 1 बराबर 3300। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताओ, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या है भाई, देखो ये 1 बराबर 3300 है, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ये 5 है, तो आप क्या करोगे, आप इस 3300 में 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो 00, ठीक है, 5 × 3 = 15 का 5, 5 × 3 = 15 और 1 = 16, ठीक है, 16,500 कितना आएगा, 16,500, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बोलो रेशियो जितना छोटा कर लोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा, तो रेशियो को आप हमेशा छोटा कर लिया करो, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एबीसी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात इतना है, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात इतना है, तो अगर वर्तमान में उनकी ये कुल आय इतनी है तो बताओ। देखो फिर वही सेम चीज है, अब की बार हमारे पास 3 लोग है, ए बी है, बी बी है, सी बी है, और हमें वर्तमान बतानी है, तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि भाई देखो एबीसी पिछले वर्ष का अनुपात इतना है, और ये हमारे पास ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ए का 4 है जबकि यहाँ पे 3 था, ए का कितना है, ए का 4 है जबकि यहाँ पे 3 था, तो वर्तमान में ए कितना है 5, तो 5 की वैल्यू क्या, ये वर्तमान हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे बी यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 4 था, बी यहाँ पे कितना है 2 है जबकि पहले 4 था, तो वर्तमान में क्या 3, ठीक है। चलो
ये जो सी है, सी पहले सी यहाँ पे तीन है जबकि पहले पांच था, सी यहाँ पे तीन है जबकि पहले पांच था, तो अभी वर्तमान में क्या? ठीक है चलो बताओ, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पांच थी या 15, 15/4 यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो ये 6, यहाँ पे 5 × 20 कितना आ गया यहाँ पे, या तो हम क्या करते हैं, ठीक है 20, 20/3। ठीक है, हम इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा दें क्या, बोलो भाई छोटा हो जाएगा, एलसीएम लेके हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना, क्योंकि जब भी हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते तो क्या होगा एलसीएम 12, तो हम यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या कर देंगे 12 का मल्टीप्लाई, तो 4 से 3 बार तो 15 से 45 है ना, 12 × 72, 3 से 4 बार यानी 80, ये आ गया आपके पास। क्या अभी ये और कैंसिल हो सकता है क्या, शायद ये और कैंसिल नहीं होगा है ना, तो 9850, 9850 ये वर्तमान का कुल वेतन है और ये वर्तमान का रेशियो आ गया। रेशियो आपके पास कितना आ गया भाई, वर्तमान का जो रेशियो है ये आपके पास निकल के कितना आ जाएगा, जोड़ो भाई इसको, 8 और 4, 8 × 4 = 120, 120 में से आप 70 जोड़ दोगे तो 190 और 5 × 2 = 7, 197, 197, 197 हुआ हमारे पास, तो 7 × 35 बचा 3, 19 × 95 और 3, ये 197 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बार हमें क्या, एक बराबर कितना मिलेगा, एक बराबर हमें मिलेगा 500, एक बराबर हमें क्या मिलेगा, एक बराबर मिलेगा 500। फिर हमसे क्या बोला है, तो सी की वर्तमान आय क्या है भाई, सी की वर्तमान आय 80 है ना, तो आप क्या करोगे, आप भाई 500 में 80 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 8 × 45 और 3 0 ये, यानी उसकी वर्तमान जो वेतन है वो 40,000 रुपए है, क्या हो जाएगा 40,000 रुपए। अगर इसकी पहले की वेतन पूछता तो आप क्या करते, देखो पहले की वेतन पूछता तो ये 40,000 जो है ये वर्तमान की आय है, वर्तमान की आय क्या है सी की, देखो सी की वर्तमान की आय क्या थी, 4 थी तो 4 है, पहले की वेतन क्या थी, पहले की वेतन 3 थी तो आप 3 से करा देते। ठीक है, 4 से भाग दोगे 10,000, यानी पहले इसकी वेतन कितनी थी, 30,000 थी, बोलो ये पहले का निकल के आ गया, क्योंकि ये वर्तमान है, देखो जो जिसका है उसी से भाग दोगे, ये वर्तमान की 40 है, आपने 4 से भाग दे दिया क्योंकि वर्तमान में इसकी आय का रेशियो हमें दिया है 4, क्योंकि हमें अलग अलग करना है तो हम इससे भाग देंगे अब 4, तो पहले क्या थी 3, आपको पता चल गया, जबकि हमारे ये आपका आंसर है, इसको ध्यान में रखना है बस जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास 97, एबीसी की आय का अनुपात। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टाइप नंबर जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टाइप नंबर है जो हमारे पास 12 है, चलो इसको देखते हैं ध्यान से, आ जाओ। एबीसी की आय का अनुपात 3, 4, 8 है और उनके खर्च का अनुपात इतना है, सी की बचत उसकी आय का इतना है, इनके बचत का अनुपात बताइए। अब देखो जरा यहाँ पे आपको पता है कि एबीसी की आय का अनुपात आपको दिया गया है, देखो जरा ध्यान से, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, ऊपर दिया है इनके आय का अनुपात यानी इनके इनकम का अनुपात, इनके इनकम का अनुपात कितना है, 3 है, 4 है, 8 है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। और उसके बाद क्या दिया है इनका, उसके बाद इनका खर्च दिया है, इनका एक्सपेंडिचर दिया है, खर्च का अनुपात कितना है, 5, 4 और 6, खर्च का अनुपात है 5, 4 और 6। अब जरा ध्यान से समझो, ये तो हमने रेशियो लिख लिया कोई बात नहीं, अब क्या बोला है, सी की बचत उसकी आय का, ये जो सी है ना इसकी जो बचत है उसकी आय का कितना है, 3/4 है, उसकी आय का 3/4 है, यानी ये बचत उसकी 3 है तो आय उसकी 4 है, क्या है, आय उसकी 4 है। हम लोग सी के बारे में बात कर रहे हैं, देखो अगर उसकी इनकम 4 है तो उसकी सेविंग्स 3 है, तो उसका खर्च कितना होगा, उसका खर्च होगा 1, उसका खर्च क्या होगा, 1।
यानी अब देखो जरा हमें करना क्या, इन्होंने बोला क्या यहाँ से समझो, इनके बोलने का रीजन क्या है, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का खर्च दिया है, यानी आपको आय और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सी होगा तो सी के आय, देखो सी की ये जो आय है, आय और खर्च को आप क्या करना पड़ेगा, आपको 4:1 में बनाना पड़ेगा, यानी अगर सी की आय 4 है तो उसका खर्च 1 होना चाहिए, इस तरीके से रेशियो में बनाना पड़ेगा। तो देखो आप इसको 2 से डिवाइड करो, जरा 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4, 2 से डिवाइड करोगे 3, ये तो 4:3 में है, जबकि इनको होना चाहिए 4:1 में, बात आप समझ रहे हैं ना, 4:1 में। तो आप करोगे क्या, आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, नहीं, फिर भी क्या होगा, वो रेशियो वही आएगा 4:3 का, क्यों, पहले आपको इनका रेशियो बराबर करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो बराबर करना पड़ेगा, तब आप इनका मल्टीप्लाई करा सकते हो, नहीं तो आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें 1 का, ये जिस रेशियो में अभी है उसी रेशियो में बने रहेंगे। तो जब हमें किसी को अगर किसी रेशियो में कन्वर्ट करना पड़े तो पहले उनका हम रेशियो बराबर करते हैं, और हमें मतलब सिर्फ सी से है तो हम सिर्फ सी से ही बात करेंगे। तो देखो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम होगा 24, ठीक है, तो इसको 24 बनाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 का, इसको 24 बनाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 का, बात समझे, अब ये दोनों 24 है, ये भी 24 है और ये भी 24 है, अब इसकी इनकम को 4 गुना कर दो, इसकी इनकम में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इनकम में आप 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अब बताओ ये 24 का 4 गुना हो गया, हो गया, देखो दोनों 24 थे, ये 24 का 4 गुना है, ये 24 का 1 है, आप डिवाइड करोगे 24 से तो 1:4 बन जाएगा, बात आप समझ गए, तो इस तरीके से हमने करना था। तो देखो जरा हम अल्टीमेटली इसमें कितने का, 4 3 12, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, बात आप समझ रहे हो ना, चलो आ जाओ भाई करते हैं, इसमें 12 का, तो 12 3 36 क्या हुआ, ये हुआ 36, और ये 12 4 48, और ये 12 8 96, ये इनकी इनकम का रेशियो बन गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या, अब देखो इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमें सेविंग्स पता चल जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 5 6 20, और ये 4 6 16, और ये 6 6 24, हम इसको घटा देते हैं, है ना, इसमें से 20 गया आपके पास, बचा कितना 16, इसमें से आपके पास 8 में से 6 गया, बचा 2, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया आपके पास 7, यानी ये 72 बचा, ठीक है, अभी क्या ये और डिवाइड हो सकता है, बोलो आपने क्या किया है, इनकम और एक्सपेंडिचर था, इनके दोनों के रेशियो तो हमने घटा दिया, तो हमें मिल गया क्या, हमें मिल गई उनकी बचत, ठीक है, चलो अब ये 8 से और डिवाइड हो सकता है, तो 8 2 16, 8 6 32, और ठीक है 8 से, देखो भाई 8 2 16, 8 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है 8 से ये 9 बार है ना, 8 2 16, 8 9 72, ठीक है 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बार, बात समझ गए, तो नया रेशियो आपको क्या मिला, नया रेशियो मिला 2:4:9, नया रेशियो आपको मिल गया 2:4:9, ये क्या निकल के आ गया, ये इनकी निकल के आ गई सेविंग्स, यानी ये इनके बचत का अनुपात निकल के आ गया, ठीक है, इनके बचत का अनुपात बताइए, ठीक है, तो हमें इनके बचत का अनुपात बताना था 2:4:9, आंसर नंबर डी, उनके बचत का अनुपात आ गया 2:4:9, बोलो भाई बात समझ गए, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एबीसी की आय इतनी है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है, यदि ए अपनी आय का इतना हिस्सा बचत करता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात, सेम वही क्वेश्चन है ना, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको आपको करना है, सेम वही क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है भाई, सभी लोगों को ध्यान से करना है, ठीक है, 98 नंबर है, इसको सभी लोगों को ध्यान से करना है, चलो बोलो भाई 98 नंबर आप सभी को ध्यान से करना है, 99 एक व्यक्ति के 4 जोड़े काले जुराब, ये आप कर नहीं पाओगे, ये भी आप नहीं कर पाओगे, है ना, आप ये 2 क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे, आप इसको कर पाओगे,
तो ये आपको मिल जाएगा होमवर्क, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, देखो इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना, ए अपनी आय का एक चौथाई हिस्सा बचत करता है, उसकी जो आय है उसका एक चौथाई हिस्सा बचत करता है, यानी अगर उसकी इनकम 4 है तो उसकी सेविंग्स 1 है, तो उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्च कितना हो जाएगा, 4 में से 1 बचत करेगा तो उसका खर्च 3 का हो जाएगा, बस इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको रेशियो कितना किसका दिया है, आपको रेशियो दिया है आय का, इनकम का, और उसके बाद दिया है आपका खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का। तो आप क्या करोगे, आप इसके इनकम और एक्सपेंडिचर को 4:3 में बनाओगे, किसका है, किसका बोला है, ए का। आपकी बार आपको ए को बराबर करना है, बस इतना आपको बता दिया गया है, आप कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क में आपके लिए, ठीक है भाई। तो चलो भाई आज की क्लास में हमारे पास इतना ही, ठीक है। आज की क्लास जिसको अच्छी लगी है भाई वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और आगे हम लोग इसी तरीके से आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, आगे से 2 क्लासेस आपको मिलेंगी कल से, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं सभी, हम सभी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।